यस NIMCET 2017 पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं. इसमें मैथ्स के पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस को किस ढंग से सॉल्व करना ये बताना चाहूंगा आपको. बिकॉज एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी है आपको. आप लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, कोर्सेज से भी पढ़ाई कर रहे हैं. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक बात बोली थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मैथ्स आना अलग बात है, क्वेश्चन को राइट टाइम में मिनिमम टाइम में सॉल्व करना इंपॉर्टेंट बात है. यानी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके पास 120 क्वेश्चंस हैं और 120 मिनट ही हैं. 12th के बाद मैथ्स के टच में नहीं रहते, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पर टाइम लगता है. तो हमारे एक तो कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, दूसरा कि कितने कम समय में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन मैथ्स के करने, 40 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के करने, 10 कंप्यूटर के करने, 10 इंग्लिश के करने. सिलेक्शन पूरा यहाँ पर बेस्ड है किस पर, मैथ्स, क्योंकि मैथ्स का एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, रीजनिंग का एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, कंप्यूटर का 8 मार्क्स का, इंग्लिश का केवल 4 मार्क्स का. अगर मीडियम इंग्लिश है तो इस पर फोकस करें, अदरवाइज ना. अब मैथ्स को आप सॉल्व तो कर लेते हैं पर कई बार आपके क्वेश्चन 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में होते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा. इसीलिए मैं आपको बोलूंगा आप मेरे साथ फाउंडेशन जो कोर्स है उसको पहले कवर करिए. उस कोर्स से अगर आप पूरा मैथ्स कवर कर लेंगे और फिर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे तो आप बहुत क्विकली कर सकते हैं विदाउट वेस्टेज टाइम. अब जैसे देखिए, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था, क्रिटिकल पॉइंट एंड नेचर फॉर द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2a. अब आपको ऑप्शन दिए 1 1 मैक्सिमम, किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा. अब एक चीज देख के बताइए, यहां पर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसका मतलब यहां पर हमें एक चीज पता है, जैसे अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0, मैक्सिमम इनफाइनाइट, रेंज निकाले. अगर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर टाइप होता तो मिनिमम वैल्यू होती, मैक्सिमम वैल्यू होती 0, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, बिल्कुल वही कंसेप्ट है. अब आपके जैसे ही क्वेश्चन आता है क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम, तो हमें दिमाग में आता है कि डिफरेंशिएशन से करें, पर इस क्वेश्चन में एक्स और वाई कंबाइन करके दिया, डिफरेंशिएशन से करेंगे उलझ जाएंगे. इसका और क्या सिंपल तरीका हो सकता है वो बताता हूं. ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर है, समझा रहा हूं इसलिए स्टेप्स लिख रहा हूं, माइनस 2x प्लस इसमें से 2y कॉमन लिया 2, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस ऑफ 2. स्टेप्स कम से कम लिखनी है. अब देखिए मैंने क्या किया, इसमें प्लस 1 कर दिया और इसमें मैंने इसमें भी प्लस 1 कर दिया, पर लॉजिकली मैंने प्लस 1 और प्लस 2 ऐड किया तो मतलब माइनस 3, तो ये माइनस 2 था तो ओवरऑल माइनस 5 हो गया. अब अगर हम बैलेंस करें तो ये बिल्कुल सेम बन जाएगा. इसका मतलब ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5 हो गया. क्या हो गया, x माइनस 1 का स्क्वायर 2 टाइम y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5. अब ये इवन पावर है, ये हमेशा इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, मिनिमम. तो अगर मैं x की जगह 1 ले लूं और y की जगह माइनस 1 ले लूं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, तो ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी. इसका मतलब हम बोल सकते हैं 1 माइनस 1 पर ये मिनिमम मिलेगा. यानी इसका सॉल्विंग अप्रोच हम बिल्कुल डिफरेंट कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को हम उसी मेथड से करें जिसके लिए वो क्वेश्चन दिया है, क्योंकि क्वांटिटी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्वेश्चन आप किस ढंग से सॉल्व कर रहे हैं. कई बार मेथड से बहुत टाइम लग जाता है तो हम लॉजिक से भी आंसर दे सकते हैं. राइट, नोट करिए क्वेश्चन को. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 sin² x प्लस 3 cos² x प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 इज. अब देखिए एक चीज समझिएगा, इस ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल सिंपल स्टेप में यानी मेंटली सॉल्व कर सकते हैं उस तरह से बताऊंगा, बट क्योंकि आपको समझा रहा हूं तो बोर्ड पे लिखना पड़ेगा. यहां x है, यहां x/2 नंबर 1 थे. अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने फिर बोलूंगा कि सॉल्विंग अप्रोच इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले कितने क्लियर है वो क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए. अब एक चीज आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, एंड रिमेंबर साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 को हम चाहें तो लिख सकते हैं, इसके स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2, यानी रूट 1 प्लस साइन थीटा को. ये अब आपको अगर क्लियर है तो देखिए आप अपने आप ही टाइम सेव कर लेंगे. अब मैक्सिमम वैल्यू आते ही आपके दिमाग में आता है मैक्सिमम मिनिमम, कई बार उससे क्वेश्चन सॉल्विंग को सॉल्व करने में टाइम बढ़ जाता है. अभी नहीं करना, कई क्वेश्चन उससे भी करेंगे. अब यहां पर अगर हम 4 को चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 4 को 3 प्लस वहीं की वहीं क्वेश्चन में करिएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो इससे ये एडवांटेज हुआ कि 3 कॉमन लेने पर ये 1 हो जाएगा, तो आपको मिला 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स. अब देखिए एडवांटेज बताता हूं, अब ये एंगल सेम हो गया और हमें पता है मैक्सिमम पूछा है, तो साइन एक्स की मैक्स वैल्यू जो होती है वो होती है 1, पाई बाई 2 पे वो होती है 1,
यानी साइन एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, तो ये 3 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 प्लस 1 रूट 2 हुआ, तो ओवरऑल आंसर आना चाहिए 4 प्लस रूट 2। तो आपने आंसर दिया, क्या आंसर दिया आपने, 4 प्लस रूट 2। आप हो सकता है इसको अगर मैक्सिमम मिनिमा से करते फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद फिर रूट्स निकालते टाइम बढ़ जाता। तो फिर एक ही बात बोलूंगा कि क्वेश्चन या मैथ्स आना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स को कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना आना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि निमसेट में बहुत अच्छी रैंक आए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैथ्स में आपके कंसेप्ट लॉजिक इतने स्ट्रांग होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आपको क्विकली बने। और उसका एक ही तरीका है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप स्पीड में जब सॉल्व कर सकते हैं जब आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो। और मैंने आपको जिस ढंग से फाउंडेशन पढ़ाया अगर आप उस तरह से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप 50 में से 40, 45 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं 2017 का पेपर देखूं तो 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कम टाइम में अटेम्प्ट किए जा सकते थे, 5 थोड़े ज्यादा टाइम में, और 5 में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता था। तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि 40 प्लस पर, वो भी जब जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो या फाउंडेशन क्लियर हो, जब भी आप कर पाएंगे, अदरवाइज 10-20 क्वेश्चन पे जाके रुक सकती है गाड़ी। तो थोड़ा सा अभी भी एफर्ट्स लगाएंगे तो पॉसिबल है कि हम बहुत अच्छी रैंक बना सके। नोट करिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वेक्टर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझते हैं। लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी 3 वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 2 है, राइट रिस्पेक्टिवली। इफ ए क्रॉस, देखिए क्या दिया है, ए क्रॉस सी इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, बिकॉज किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है। हमने डॉट प्रोडक्ट में ये चीजें सब समझी हैं। ए डॉट ए करेंगे तो मॉड ए कॉस 0-1 होता है, तो वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहां पर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा है तो हम चाहें तो ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज कर लें, तो ए डॉट सी इंटू ए वैक्टर, ये स्केलर क्वान्टिटी मिली, माइनस ऑफ ए डॉट ए इंटू सी वैक्टर, यहां पे कोई साइन नहीं आएगा, इक्वल टू बी वैक्टर का स्क्वायर, राइट इक्वल टू, सॉरी अभी तो बी वैक्टर स्क्वायरिंग अगली स्टेप में करवाऊंगा मैं। अब ये हुआ ए डॉट सी, ये ए वैक्टर है, ये मॉड ऑफ ए हो गया एक तरह से, ऐसा सोच सकते हैं आप, ए डॉट सी ए वैक्टर माइनस मॉड ए का स्क्वायर ए डॉट ए। स्टेप्स कम से कम लिखना, देखिए मुझे समझाना होता है, ये मजबूरी है मेरी, ए वैक्टर का स्क्वायर 1, तो यहां पर आप सी वैक्टर भी लिख सकते हैं इक्वल टू बी। अब हम एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग जैसे ही की तो आप क्या लिखेंगे, देखिए स्क्वायरिंग करी तो ए डॉट सी, ये पूरा स्केलर का स्क्वायर वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी इनटू अगेन ए डॉट सी इक्वल टू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, राइट। अब ए डॉट सी यही बताना, आप देखिए ए का स्क्वायर मतलब वेक्टर हो गया तो 1 हो गया, सी कितना दिया आपको 2, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा मैं स्टेप थोड़ी सी बचाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी कितना है 1, तो 1 आ जाएगा। अब एक तरह से आप यहां पर आके ये चीज समझ में आती होगी आपको कि ये हो गया, इसको इधर ले जाएं, ये कितना है 2 ए डॉट सी का स्क्वायर, राइट। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पर स्क्वायरिंग करी बिल्कुल ठीक है, तो ए डॉट सी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर हो गया कितना 1, मॉड सी आपको दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2। अब जब स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए क्या होगा, ए डॉट सी अलग से है और एक ए डॉट सी और आ गया, राइट। तो हमारे पास एक तरह से क्या क्या आ गया, देखिए इसको वहां ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर लाइए, तो ए डॉट सी का स्क्वायर इक्वल टू 3। अब ए डॉट सी का स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी कॉस थीटा इक्वल टू 3, मॉड सी 2 दिया है, ये 1 दिया है, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो गया स्क्वायर, साथ में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 4 ये 1 इंटू कॉस थीटा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 3/4, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, एक्यूट पूछा तो थीटा इक्वल टू π/6, तो करेक्ट आंसर विल बी π/6। तो आपने क्या किया एक बार फिर समझिए, नंबर 1 वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है, एक प्रॉपर्टी, और सेकंड हमने ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाई। ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने आपको बताया हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो सबसे पहले दूर वाला मल्टीप्लाई करिए, तो ए डॉट सी
इनटू बचा हुआ वेक्टर माइनस, दो वेक्टर के बीच में साइन होना जरूरी है और वेक्टर स्केलर के बीच में साइन नहीं होता, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसके बीच में साइन नहीं आएगा, माइनस ए डॉट बी इनटू सी वेक्टर, राइट। अब आपने जैसे ही प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि मुझे आदत है कम लिखने की, तो कहीं लिखने में मिस्टेक हो तो चेक कर लीजिएगा, कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, चल रहा हूं। तो ए डॉट सी इंटू ए वैक्टर माइनस ए डॉट ए इंटू सी वैक्टर इक्वल टू वी वैक्टर। अब ए डॉट सी इंटू ए वैक्टर माइनस ए डॉट ए को हमने लिख दिया, मैंने डायरेक्ट वही बताया आपको कि मॉड ए का स्क्वायर और मॉड ए वन दिया है, तो ये बचा। अब इसके स्क्वायरिंग करी तो ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए सी टू ए बी। तो देखिए इसका स्क्वायर हुआ, इस वैक्टर का स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, यहां पर इन दो ये अलग से था, इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई हो गया। एक बात याद रखिए, वेक्टर स्क्वायर मॉड्यूलर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये 1 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4, ये a डॉट c का स्क्वायर और ये a डॉट c मिलके होगा a डॉट c का होल स्क्वायर, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। ओवरऑल मुझे मिला a डॉट c का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। यहां पर हमने डॉट की डेफिनेशन को यूज किया, मॉड a मॉड b cos थीटा, राइट। तो ये हो गया 4 cos का थीटा इक्वल टू 3, देयरफॉर cos का थीटा इक्वल टू 3/4, then cos theta equal to root 3/2, तो theta आ गया π/6। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये वो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको जिनमें शायद आपको सबसे ज्यादा टाइम लगता है और मैं आपको सबसे कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करवाना सिखा रहा हूं। हो सकता है आपको इसमें कई बार टाइम लग जाए ऐसे क्वेश्चंस में, और इन्हीं को आप जब सबसे कम टाइम में कर सकते हैं तो इसका मतलब बचा हुआ पेपर आप और कम टाइम में कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बताना है, दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन ए साइन ए प्लस बी कॉस ए इक्वल टू सी। आप ध्यान दीजिए ये लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसको सॉल्विंग अप्रोच क्या है आपको याद होगी, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू अगर सी हो तो सॉल्विंग अप्रोच साइन एंड कॉस थीटा के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। मैंने जो बोला है वो समझिए, इनके कोफिशियंट लीजिए, इनका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करके ऐड करिए और इसके स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो इसका मतलब बोथ साइड डिवाइड कर दें, तो देखिए a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ए प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ए इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि कॉस में भी आंसर दिया, साइन में भी, ज्यादा अच्छा कॉस बना ले। तो अगर मैं एक राइट ट्राइंगल ले लूं जिसमें एक अल्फा एंगल मान लूं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो ये अपने आप ही रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको अगर ऐसा लिख लूं, साइन ए साइन ए साइन अल्फा प्लस कॉस ए कॉस अल्फा अपने आप ही हो गया, और इसको मान लीजिए कॉस बीटा। कॉस बीटा किसे एज्यूम किया मैंने, कॉस बीटा एज्यूम किया सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। तो इसका मतलब ये हो गया कॉस ए माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा। अब कॉस माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, इसलिए यहां पर प्लस माइनस दिया होता है। इसका मतलब मैं चाहूं तो ए माइनस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस बीटा भी लिख सकता हूं। तो ए इक्वल टू क्या हो गया भाई, अल्फा प्लस माइनस बीटा। अल्फा यहां से निकलेगा, अल्फा हमेशा टेन से निकलता है, तो टेन इनवर्स ए बाय बी प्लस माइनस बीटा यहां से निकलेगा, इनवर्स ले लीजिए, कॉस इनवर्स सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो आपने कितने स्पीड में क्वेश्चन को कर लिया। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं है, तो आप क्वेश्चन में उलझ सकते हैं, टाइम लग सकता है, और टाइम फैक्टर एनआईटी में अच्छी रैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम फैक्टर। बहुत कम टाइम होता है, क्वेश्चंस बहुत करने हैं, मैथ्स भी करनी है, रीजनिंग भी करनी, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपकी रैंक बनेगी। नोट करिए क्वेश्चन।